नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीरो टू हीरो। आज का लेक्चर का टॉपिक है एनवायरनमेंट ऑफ पाइथन। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को प्रेस करें। तो चलिए देखते हैं एनवायरनमेंट ऑफ पाइथन होता क्या है। तो बहुत सारे तरीके हैं पाइथन कोड को रन करने के लिए, पर यहाँ पे तीन मेन टाइप का एनवायरनमेंट होता है पाइथन कोड को रन करने के लिए। एक होता है टेक्स्ट एडिटर, दूसरा होता है फुल आईडीई, तीसरा होता है नोटबुक एनवायरनमेंट। तो टेक्स्ट एडिटर एनवायरनमेंट क्या होता है ना, कि जनरल एडिटर होता है कोई भी टेक्स्ट फाइल के लिए, जैसे कि नोटपैड हुआ, नोटपैड प्लस प्लस हुआ, वर्डपैड हुआ, सबलाइन टेक्स्ट हुआ और एटम हुआ। तो इसमें भी हम लोग प्लगइन्स और एड ऑन करके इसको हम लोग कस्टमाइज करके बहुत सारे काम इसमें भी कर सकते हैं। एक आ जाते हैं फुल आईडी एनवायरनमेंट में। आईडी स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जो कि स्पेशली डिजाइन किया गया है पाइथन के लिए। इसमें लार्ज प्रोग्राम बना सकते हैं, रन करवा सकते हैं और उसमें कम्युनिटी एडिशन ही फ्री है। इसमें बहुत सारा एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी है और बहुत पॉपुलर है इसमें पाइचर्म और स्पाइडर। अब आ जाते हैं नोटबुक एनवायरनमेंट में। जो बिगनर है उसके लिए सबसे अच्छा होता है नोटबुक एनवायरनमेंट, क्योंकि जब हम उसमें कोई भी कोड इनपुट देंगे ना, तो उसके नेक्स्ट में ही उसका आउटपुट आ जाएगा। तो इसमें से ना आप आसानी से सीख सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग करना। इसमें सपोर्ट करता है मार्कडाउन नोट्स, विजुअलाइजेशन सपोर्ट करता है, वीडियोस भी सपोर्ट करता है। पर इसको जब सेव करेंगे ना, वो .py एक्सटेंशन में वो सेव नहीं होता है। इसमें बहुत पॉपुलर नोटबुक है अपना जुपिटर नोटबुक। अब क्या है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको जो भी इन्वायरमेंट पसंद आया उससे आप पाइथन कोडिंग कर सकते हैं। कोडिंग सेम रहेगा पर एग्जीक्यूट करने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।